ए, काजू पिस्ता बढ़ाल के मैं क्या शायद देगा कोई दो सौ का गिलास केगा और दूध इतना गाला कि उसने डाल के कितने कहता है सेवेंटी रुपीजी मैं यकीन खुदा के साथ मेरे आंखों में आंसू आ गया मैं क्या हमारे पाकिस्तान में ये चीजें हो रही है आप देख लें इंडिया के अंदर कितनी कितनी बड़ी कंपनियां जो है वो सर्वाइव कर रही हैं अपने आप को क्योंकि वो उनके साथ फेयर चल रहे हैं हमारे जहाँ फेयर नहीं चले पहले कहते मेरा पेट भर दो बाकी ये मरता है तो मरे और ना सिर्फ हम ऑस्ट्रेलिया हो यूके हो यूएस हो कोई भी कंट्री है वो उनकी तारीफ कर रहा है और मजबूरी बन चुका है इंडिया इस टाइम दुनिया की क्या वजह वो यही वजह बताते रहो ना वो अपनी जो अपने लोग हैं उनकी अवाम उनको सहूलत देते तो पता नहीं कितने घर वो तोड़ने के लिए तैयार बैठे जो इंतहा पसंद हिंदू है ना वो नहीं चल सकते आपने बोला के वो कितने घर मुसलमानों के घर मुसलमानों के घर मैं आपको बताता हूँ वो अब क्या है लाहौर में जो जब ये मेट्रो बना था तो तब यहाँ पे कितनी बिल्डिंगें गिराई गई थी हाँ जी गिनाई गई थी अब हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे अगर मेट्रो या कोई अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जय हिंद दोस्तों निशम में का स्वागत है ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ही ऐसा एक देश है जो आने वाले समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था पर संभाल सके साथ मिर्ची लगी है तो उनके रिएक्शन हम इस वीडियो में देखते हैं तो चलिए आगे देखते हो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जय हिंद ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने रिसेंटली अभी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया ग्लोबल इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इस टाइम बेस्ट बेस्ट प्लेस है और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जी का प्रेजिडेंट बन चुके हैं इंडिया तो इसलिए वो काफी पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है इकॉनमी को बेहतर करने के लिए पूरी दुनिया की क्या कहना चाहेंगे आपके अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होते तो हमारी भी इकॉनमी कहीं ना कहीं बेहतर होती हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है लेकिन हमारे जो इन्वेस्टर है ना पाकिस्तान का वो मुखलिस नहीं है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करता है वो कहता है कि मैंने इनपे एहसान कर दिया इस कॉम के ऊपर तो वो उससे पहले अब इंडिया में देख लें कितनी कितनी बड़ी कंपनियां वो करती बड़ी, बड़ी, बड़ी उनकी तो अपनी मेड इन इंडिया बहुत किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें आप ज्वेलरी की इंडस्ट्री की बात कर लें गारे हमारे यहाँ जो ठेका लेता है ना वो पहले कहता है मुझे कितने पैसे दोगे इसलिए जो ना वो यूरोप का जो नॉर या मिडिल ईस्ट का कहीं का भी, भी इन्वेस्टर है ना वो पैसा नहीं लगाता वो इसी वजह से पैसा नहीं लगाता आप देख लें इंडिया के अंदर कितनी कितनी बड़ी कंपनियां जो है वो सर्वाइवे कर रही हैं अपने आप को क्यों कि वो उनके साथ फेयर चल रहे हैं हमारे यहाँ फेयर नहीं चल रहे मेरा पेट भर दो बाकी ये मरता है तो मरे ठीक है होते या अभी भी हम रिलेशन बेहतर कर लें तो क्या हमारी जो सिचुएशन है है बेहतर हो सकती हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं लेकिन हिंदू जो है ना वो मुसलमान के साथ मिलके चल नहीं सकता ठीक है सिख चलता है क्योंकि हिंदू के अंदर ना बहुत नहीं नहीं हम तो फिर भी चल जाते हैं लेकिन वो एक सौ एक परसेंट बहुत रखता है दिल में हमेशा उसने जो है ना मुसलमान को छुरा मारा उधर जो बीस पच्चीस करोड़ मुसलमान इंडिया में अभी भी मैं परसों देख रहा था तो आया था कि पता नहीं कितने घर वो तोड़ने के लिए तैयार बैठे जो इंतहा पसंद हिंदू है न वो नहीं चल सकते चले, आपने बोला कि वो कितने घर मुसलमानों के घर मुसलमानों के घर हाँ मैं आपको बताता हूँ वो अब क्या है लाहौर में जो जब ये मेट्रो बना था तो तब यहाँ पे कितनी बिल्डिंगे गिराई गई थी हाँ जी गिराई गई थी हाँ जी, हाँ जी। अब वहाँ पे अगर मेट्रो या कोई अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है मुझे नहीं पता लेकिन मैंने ये सुना है की वो एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर जो घर है उन्हें वो तोड़ा जा रहा है तो उनको उनकी जगह पे प्लेस दी जाएगी अब हम वहाँ पे मुसलमान ले आए हिंदू ले आए तो वो तो हमारी मर्जी है ना कि मुसलमानों पे जुल्लम है हम मीडिया के ऊपर क्या समझते हैं इसके हवाले से नहीं वो अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है फिर तो वो करना पड़ेगा जैसे पाकिस्तान में हुआ था सबको पैसे भी मिले थे कुछ लोग कहते हैं जो हमें कुछ नहीं मिला वो झूठ बोल देते देखे जी ये तो 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 लाड का माल जो ब्रांडेड होता है ना ये है। वाली माला जो आप देख रहे हैं है। ये बाहर से आती है है पाकिस्तान का इसके अंदर क्या चीज पड़ी वो ना होने के बराबर कोई मांगता नहीं लोकल कहते छोड़ देता ये तो हाल मारे पाकिस्तान की मतलब चीज का कोई यही टॉपिक है ऑलमोस्ट के भाई क्या वजह है पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन गिरती जा रही है और हमारे बेहतर होते इंडिया के पाकिस्तान के तो क्या हमारे भी इकोनॉमी बेहतर कर सकता था यह सब कुछ हो सकता है बस ना हमारी नीयत जो है ना वो खराब है पता क्या बात है मैं ना यूट्यूब में ना वैसे रात को बैठ के ना ढाबा नहीं होता इंडिया का वो जो छोटे छोटे स्टॉल में चीजें बेचते हैं है। खुदा की कसम खा के हैरान हैं यहाँ पे काजू छ हजार रुपये किलो तीन हजार रुपये किलो वो ना एक जूस बना रहा था उसमें खजूर काजू पिस्ता अब डाल के मैं क्या शायद देगा कोई दो सौ का गिलास देगा और दूध इतना गला कि उसने डाल के था कितने पैसे कहता है रुपीस रुपीज़ मैं यकीन खुदा कि जैसे मेरा आंखों में आंसू आ गया मैं कह हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही है कि हम छः हज़ार रुपये किलो बेच रहे हैं वो सत्तर रुपये का गिलास दे रहा है एक डाबा इतनी आसानी से चीजें दे रहा है मैं आ सोच के इतने अगर करें इंडिया आ, और पाकिस्तान पहले हम पहले थी थी, देख लो वही मुल्क है वही चीजें हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए मैं ये जरूर कहूंगा हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए दिल की बेईमानी इस कदर हो गई है की हम लोग गिर गए लेकिन फिर भी समझ नहीं आती वो अंग्रेज कर रहा है और जो अंग्रेजों को करना चाहिए वो हम करें इसलिए हमें काम है क्योंकि हमारे नबी का वो सारा सर्वे करते हैं कि पढ़ते हैं चीज़ें करते हैं कि यार ये मेरा इनके नबी ने क्या, क्या क्या किया और वो काम करके वो तरक्की करते जा रहे हैं हम वो वाली पॉलिसी नहीं कह रहे हम अंग्रेज़ों की पॉलिसी जो वो काम करते हैं हम वो कर करके नीचे गिरते जा रहे हैं जो काम हमारी होना चाहिए ना कि हर दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए ईमानदारी रखना चाहिए वो अंग्रेज़ कर रहा और हाके मैं कह रहा खुदा की कसम का था वो चलता फिरता अगर कलमा मा पढ़ ले चलता फिरता वली है हम मुसलमान होकर चलते फिरते मुसलमान के नाम के दब्बा है दब्बा हमें इसलिए दब्बा है क्योंकि हमारे अंदर मुनाफत आ गई मुनाफ़त की वजह